हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट ओनली चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या आपको इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है, कितनी एज क्राइटेरिया है और कितना एप्लीकेशन फीस है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट ओनली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट ओनली चैनल पर दोस्तों आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। और जब भी कोई नया सरकारी फॉर्म का नोटिफिकेशन आता है तो उसका सबसे पहला वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं स्मार्ट ओनली चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो वैकेंसी है वो है नॉर्थ ईस्ट रेलवे यानी कि NER। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर का ये वैकेंसी है, ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे की। और ये जो आपकी वैकेंसी है वो है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। जी हाँ दोस्तों, अप्रेंटिसशिप के लिए आपकी जो है ये वैकेंसी है। तो इसकी चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन से, डेट से। तो 26/11 से जो है आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो दी गई है वो है 25 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, 25 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट के लिए अभी तक देखिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। और बात करें फ़ीस की, तो जनरल ओबीसी वालों के लिए 100 रुपये फ़ीस है दोस्तों, यानी 100 रुपीज़ आपको पे करना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी से हैं। बाकी सभी कैटेगरी यानी कि चाहे वो फ़ीमेल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, सभी के लिए आपको यहाँ पे फ़ीस जो है वो 0 है, यानी कि कुछ भी फ़ीस भरने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें टोटल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पोस्ट है 1104 पोस्ट, यानी 1104 पोस्ट के लिए जो है आपको एप्लीकेशन जारी किया गया है। और इसके लिए मैं बात करूँ तो क्वालिफ़िकेशन के लिए, तो देख लीजिए यहाँ पर पहले पोस्ट नेम से स्टार्ट करते हैं। अप्रेंटिसशिप इन वेरियस ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ट्रेड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन होता है, कारपेंटर होता है, फिटर होता है, इलेक्ट्रो मैकेनिक्स होता है, कोपा होता है। तो इस प्रकार जो भी आपका इलेक्ट्रिशियन में ट्रेड होगा उस ट्रेड के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे फॉर्म भरना है। जनरल में अगर वैकेंसी की बात करें तो 564 जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे फॉर्म है। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, जी हाँ दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर है 56 पोस्ट, एससी के लिए है यहाँ पर 165 पोस्ट, ओबीसी के लिए बात करें तो ओबीसी के लिए है यहाँ पर 294। जी हाँ दोस्तों, और टोटल आपका मिला के हो जाता है 1104 पोस्ट जिसके लिए आपको आवेदन करना है दोस्तों। और इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको 10वीं पास होना चाहिए प्लस आईटीआई। जी हाँ दोस्तों, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका रिलेवेंट ट्रेड में, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे, चाहे इलेक्ट्रिशियन, चाहे फिटर, चाहे मैकेनिक हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोपा हो, कोई भी हो आपका ट्रेड, जो भी आप ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं आपका आईटीआई सर्टिफिकेट उसी में ट्रेड में होना चाहिए। तो ये हो गए दोस्तों। अब बात करते हैं अप्लाई करने के लिए, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले चीज़ तो देखिए, आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है पेज खुलेगा। ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्ट रेलवे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा। देखिए यहाँ पर होम पेज का बटन भी दिया हुआ है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है। तो कुछ करना नहीं आपको दोस्तों, बस ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद देख लीजिए, इट्स रिकमेंडेड, तो दोस्तों मोबाइल के एप्लीकेशंस में ये नहीं खुलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप चाहे कंप्यूटर पे जा सकते हैं, लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, पीसी यूज़ कर सकते हैं, या टैब। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल में फॉर्म नहीं ओपन हो रहा है, तो आप इस प्रकार जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को, ताकि उनके पास भी अपडेट पहुँच सकें। कुछ भी डाउट्स हो आपको पूछने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, तो आप हमें भेजिए जो है कमेंट करके जरिए पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई वहीं पर दे देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ।